झांसी रेलवे स्टेशन पे चार ईसाई नंस को एबीवीपी के लोगों की शिकायत पे उनकी ट्रेन से उतार दिया गया और उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि एबीवीपी का आरोप था कि ये नंस जो हैं धर्म परिवर्तन करा रही हैं। ये नंस दिल्ली से उड़ीसा जा रही थी। इनमें दो नंस थीं जो सफ़ेद लिबास पहने हुए थीं और दो ट्रेनिंग करने वाली नंस थीं और वो भी ईसाई लड़कियां थीं, वो उनके साथ उड़ीसा जा रही थीं। एबीवीपी के लोग जो ऋषिकेश से किसी ट्रेनिंग से वापस लौट रहे थे, उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी कि ये जो नंस हैं दो लड़कियों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। एबीवीपी के कहने पे वहाँ पे पुलिस पहुँची, जीआरपी पहुँची और उसने उन नंस को स्टेशन ट्रेन से उतार दिया, उनको थाने में ले गए, उनसे कड़ी पूछताछ की। जब पूछताछ के बाद उन्होंने अपने सारे कागजात दिखा दिए और पुलिस ये संतुष्ट हो गई कि वो जन्म से ईसाई हैं और जो दो लड़कियां बिना लिबास के हैं वो भी नन बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं और उनका धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब उन्हें वापस जाने दिया गया। इस मामले से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इससे देश में धार्मिक सहिष्णुता की जो परंपरा है वो दागदार होती है। इसी तरह केरल बीजेपी के चीफ ने भी यूपी के सीएम को पत्र लिख करके जो जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने एबीवीपी के कहने पे नर्सों के साथ ये सब किया, लेकिन जिन एबीवीपी वालों की बात ये गलत साबित हुई उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की कोई सूचना नहीं है। तो दोनों लड़कियों के पास से बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मिला जो 2003 का था। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट क्रिश्चियन रिलीजन में नामकरण का होता है, तो जिससे ये प्रूफ हो गया कि दोनों युवतियां बाई बर्थ ही क्रिश्चियन थी, उनको किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा था, ये केवल उनको एक शक था। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।